नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंडियन मूवीज फैन पर। हम सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 मिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर जानिए वो इंडियन फिल्म्स जिनकी कहानी स्पेस या एलियंस के इर्द गिर्द घूमती है। 1963 में तमिल की कलैयरसी नाम की एक सफल फिल्म आई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमे एलियंस धरती पर आते हैं। एक लड़की के गाने से इम्प्रेस होकर उसे ले जाने आए एलियंस से उसे बचाने की कहानी है ये। तारा सिंह 1967 में चांद पर चढ़ाई नाम की फिल्म में चांद पर उतर चुके हैं, वहां पहुंचकर एलियन से लोहा भी ले चुके हैं। 2003 में आई कोई मिल गया में एक इंसान और धरती पर आए एलियन के बीच दोस्ती की कहानी है। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया था और फिल्म ने जबरदस्त कमाई भी की थी। 2018 में वरुण तेज और अदिति राव हैदरी की अंतरिक्ष 9000 के MPH आई। ये स्पेस में मौजूद खराब हो चुके सैटेलाइट को ठीक करने की कहानी है जो फ्लॉप रही थी। 2018 में ही हॉलीवुड मूवी आर्मगेडन इंस्पायर टिक 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 नाम की तमिल फिल्म आई। एस्ट्रॉइड से धरती को बचाने की कहानी वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। 2019 में अक्षय कुमार, विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मन जोशी की तगड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म मिशन मंगल आई, जिसमें भारत के मंगल ग्रह पर पहुंचने की कहानी दिखाई गई। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। आर माधवन 2022 में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नाम की फिल्म लेकर आए। भारत के साइंटिस्ट नंबी नारायणन की लाइफ के हिला देने वाले रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड फिल्म थी। माधवन ने फिल्म डायरेक्ट भी की थी, लिखी भी थी और नंबी नारायणन का रोल भी खुद ही बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।